पकड़ लेगा। ये खेल देखो इसका, कार्तिक का और ऑस्कर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था कि मैं सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करती हूँ। तो सुबह के बजे हुए हैं 4:45, तो मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के तुरंत बाद या तो मैं ठाकुर जी की नहला देती हूँ गोपाल जी को, या मैं मेडिटेशन करने के बाद नहलाती हूँ। तो आज मैं पहले करूँगी मेडिटेशन, उसके बाद मैं क्योंकि मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है, घर में सब सो रहे हैं, अगर थोड़ा तेज़ बोलूँगी तो सब जाग जाएंगे। तो मैं मंदिर वाले रूम में ही करती मेडिटेशन। ये देखिए ठाकुर जी, राधा रानी। और मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं ठाकुर जी को नहलाऊँगी, फिर घर में धीरे धीरे सब उठते जाएंगे, फिर जो डेली का रूटीन है वो हो जाएगा शुरू। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी सुबह जल्दी उठकर, भी बहुत ज़्यादा जल्दी उठकर ना सही, ध्यान जरूर करें। जैसे 4 बजे उठते हैं, चलो 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाए, 5:30 बजे उठ जाए, लेकिन चाहे 10 मिनट की मेडिटेशन करें, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें। क्योंकि जब से मैंने मेडिटेशन शुरू की है, वैसे मैंने पहले भी की थी, आप लोग को बताया था, तो बीच में जब बेटे की शादी हुई तो मेडिटेशन मेरा छूट गया, तो अब मैंने दोबारा से मेडिटेशन शुरू कर दी है। और उसके इतने फ़ायदे होते हैं कि आगे आगे आपको बताती रहूँगी कि मुझे मेडिटेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो जी, आप भी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कृपया करके वो ध्यान की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि आने वाला समय जो हमें बचाएगा वो सिर्फ ध्यान ही बचाएगा, यानी कि मेडिटेशन से ही हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और किसी भी माहौल में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो जी, योग की तरफ जाएं और ध्यान की तरफ जाएं। तो जी, ज़्यादा समय हो रहा है, मैं करती हूँ अपनी मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के बाद आपको मैं मिलती हूँ जब मैं ठाकुर जी की कर लूँगी पूजा, उनकी आरती, उसके बाद आप लोगों से मिलती। तो जी, मेरी पूजा पाठ भी हो गई, मेडिटेशन भी हो गई, तो अब मेरी हो जाएगी दिनचर्या शुरू। रसोई में जाकर चाय पानी, अभी तो सबसे पहले नीचे जाऊंगी तो ऑस्कर ही बोलेगा राधे राधे, और उसे चाहिए होगी जो वो खाता है, उसका जो फूड है वो मांगेगा उससे। उठ गया? ओह वाह, सुन दे, वाह। ऑस्कर लगता है अभी नहीं उठा है। ऑस्कर चलो उसे सोने दो। तो जी, आज कार्तिक जल्दी उठ गया क्योंकि उसका है पेपर, और पानी गर्म हो गया पीने के लिए। घर में आज बच्चों के आए थे, बड़े पापा, सबने खाए छोले भटूरे, और फिर उसके बाद पियेंगे गर्म पानी जिससे कि जो छोले उठ रहे हैं डाइजेस्ट हो जाए। ऑस्कर को देखो जी, ऑस्कर, ऑस्कर कौन आया था? बाबू, बड़े पापा, चला फिर ऊपर चले। इसको देखो, ये सारा दिन तो गाने सुनता है, ये इसके चल रहे पेपर, आज इसका बेचारे का पेपर है। ये देखो, ये तो ये मिला कैसे हो रहा है? कौन सा? ये धोया तू, दूसरे वाला ले। ये देखो, आज इसका फिर पेपर है बेचारे का। हाय, सो सैड, पढ़ना पड़ता है ना, दुखी हो रहा है। और इनके बिस्तर देख लो, इन उठते हैं मनु के और कार्तिक के। हाँ, तेरा तो है नहीं, जैसे रख दिए रिजाई तेरी या मूर्ख। तो जी, कल मैं गई थी मार्केट पीयूषा के साथ, कल तो नहीं, एक दो दिन पहले गई थी, तो मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि पीयूषा ने बोला कि मम्मा आप ये ले लो, इसका ये तो उठा दो। ऑस्कर का ये उठा रही हूँ मैं, ये देखो मेरे पैरों में, आ जा, आ उतारू ये। ये देखो,
ये मेडिटेशन करता है, इसकी शक्ल देखो मेडिटेशन करने वाले की। क्या तू मेडिटेशन करता है ना डेली? हाँ। कितने घंटे? डेढ़। अच्छी बात है। 22 सालों से इसकी शक्ल देखो, 22 सालों से मेडिटेशन कर रहा है। हाँ हाँ। बल्कि करो, उठो जल्दी। जल्दी तो उठता हूँ। ये करता है देख मेरे साथ। दिन में सबसे पहले मैं ही उठता हूँ। सबसे पहले उठते हैं? 12 बजे स्टार्ट होता हूँ, 12 बजे उठ जाता हूँ। बहुत बेकार है, अभी तुम्हारी लाइन लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। क्या कर रहा है ओस्कर आजकल? काटने लग गया है गाइस। एमी काटने लग गया बकवास। दो बंदों को काट गया। नहीं आई राम, तभी ये बड़ा झूठा है ये, इसकी बात तो कोई विश्वास कभी मत किया करो। ओए ये रे, खेलता कैसे? खेलता नहीं ये रे, पागल है क्या? ओए कार्तिक तू जिरे फड़वाया इससे। ये देखो कैसे खेल रहा है। ओए ओए पैर में पकड़ ले, पकड़ लेगा। ये खेल देखो इसका, कार्तिक का और ओस्कर का। हाय हाय, तुमने तो तकिए वकिए सब खराब कर दिए भाई। ये है मेरा मेडिटेशन रूम। आज थोड़ा मैंने इसको अच्छाई नहीं है पूरी, लेकिन ये मेरे मेडिटेशन होते हैं। देखो यहाँ पे ट्यूशन में बच्चे आते हैं, बकवास कर रहे हैं, तो यहाँ मेडिटेशन करते हैं। यहाँ मेडिटेशन करते हैं मंदिर वाले रूम में। और ये कह रहा है कि ये जो मैंने चेयर लगाई है साइड में, तो इसका कहना है कि यहाँ ट्यूशन चलती है। ये कहाँ गया? ये देखो अभी दिखाते हैं। ये यहाँ चेयर लगाई हुई है, तो ये कह रहा है कि यहाँ ट्यूशन चलती है। ओए गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं, देखो उसका डर गया कार्तिक इससे देख। आज तो ये देर होगी, देखिए पेपर में। तो जी एकादशी की वीडियो तो बन गई है, अब ये वीडियो की जाएगी एडिट। आज कार्तिक का पेपर है, कार्तिक तो वीडियो एडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो गया, वो आएगा रात को 7-8 बजे। और अब आवाज लगाई जाए बाबू जी को, क्योंकि आज की जो वीडियो एडिट करेंगे वो करेंगे बाबू जी। सुनो आज ड्यूटी आपकी लगी है। आज कहाँ गए आप? कहाँ गायब हो गए? अबे आप तो नीचे, अबे कहाँ गए आप? ऊपर आओ ना आप, सीढ़ी में गायब हो गए। हाँ जी, सबसे पहले तो बोलो सबको। क्या बोलो सबको? राधे 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 राधे। अच्छा आज क्या ये कौन सी वीडियो बना लिया? आज मैंने एकादशी की वीडियो बनाई है। अच्छा चीको रेसिपीज पे बहुत दिनों बाद, तो अभी डालनी है क्योंकि थोड़ा मेडिटेशन और योगा करने से ना थोड़ी सी एनर्जी आनी शुरू हुई है। थोड़ी सी थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी आनी शुरू हुई है, थोड़ी सी नहीं आई हुई। तो आज वीडियो एडिट करेंगे ये। तो देखो वीडियो का मेरा सेट, वैसे मैंने आप ये देखो, तो वीडियो कर दो एडिट और डाल दो, ठीक है। तो जी ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। चाहे छोटा ब्लॉग है या बड़ा ब्लॉग आपको मिला ही करेंगे, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, कोशिश रहेगी कि ब्लॉग आपको मिलते रहें। और आप लोगों ने जैसे अभी आपको दिखाया था कि मैं मेडिटेशन कहाँ करती हूँ, और एक और बात बता दूँ वो मैंने आप लोगों को अब तक नहीं बताई, क्योंकि मैं रेकी भी करती हूँ, मैंने रेकी भी सीख ली है, और जिससे मैं सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और मैं एकदम एनर्जेटिक हो गई हूँ, जिससे ब्लॉग भी मिलेंगे और चीप रेसिपीज पर वीडियो भी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और अगले ब्लॉग तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।